हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल महतो सर। आई एम मयूर सर एंड आज हम अगेन लेके आए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टॉपिक्स जो हम इस वीडियो के माध्यम से आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो है स्पोर फॉर्मेशन एंड टिश्यू कल्चर। जैसे ही हमने रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने रीजनरेशन एंड बडिंग डिस्कस किया था, वैसे ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन को। व्हाइल स्पोर फॉर्मेशन के साथ साथ हम टिश्यू कल्चर क्या होता है वो कंसेप्ट भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली तो वैसे हो गई है, फिर भी आपको शुभकामनाएं दिया मैंने, दिया तो था आपको लास्ट लेक्चर में, फिर भी कैसे रहा आपका दिवाली? और दिवाली के ऑफर्स आपको जो हमने प्रोवाइड किए हैं वो परचेस किए कि नहीं आप लोगों ने? अगर नहीं किए होंगे तो हमारे दिवाली के जो ऑफर आपको मिल रहे हैं वो प्लीज आप परचेस कर लीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर। हमारे एप्लीकेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, हमारे महतो सर क्लासेस करके एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो और परचेस करिए हमारे अलग अलग कोर्सेस, जैसे कि सचिन सर के कोर्सेस है, महतो सर के कोर्सेस है, आप उनको परचेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए बायो के कोर्सेज भी कुछ दिनों में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, क्लासेस के अकॉर्डिंग, 9th, 10th, 11th, 12th, नीट, फाउंडेशन, एवरीथिंग आपको अवेलेबल रहेगा हमारे महतो सर क्लासेस एप्लीकेशन के द्वारा। तो आप जरूर उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, परचेज करिए हमारे। तो लेट स्टार्ट टूडेज टॉपिक, फॉर फॉर्मेशन एंड टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो बच्चों, जैसे ही हमने डिस्कस किया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टॉपिक में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे अपना रिप्रोडक्शन करता है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन थोड़ा सा डिस्कस किया था स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, जब वर्स्ट कंडीशन आ जाए, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तभी स्पोर्स फॉर्म होते हैं, मैंने ये बताया था। तो स्पोर फॉर्मेशन, ये कुछ स्पोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको जी बच्चों, यहाँ पे आपको एक होल कैविटी के अंदर देख सकते हैं, सीन इन ब्रेड मोल्ड्स एंड फंगस। आपने देखा है कभी बारिश के मौसम में बहुत सारे, कोई लकड़ी अगर ऐसी गिर के बहुत सारे ऐसे मोल्ड्स वहां पे ऐसे बिछ जाते हैं, चद्दर जैसे ऐसे जाते हैं। आप देख सकते हो जब आप उनको नजदीक से देखोगे ना तब आपको मोल्ड ऐसे देखने को, छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको देख, तो जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये है मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। अगर आप ब्रेड को अगर रख दोगे तो ब्रेड के ऊपर भी मोल्ड आ जाते, फंगस आ जाता है, तो जैसा दिखे ना, तो वो एक्चुअली में फंगस नहीं बोल सकते उसको, मोल्ड्स कहा गया है, ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड तो थ्रेड लाइक देखने को मिलेंगे, थ्रेड लाइक देखने को मिलेंगे, अगर नजदीक जाके आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। द ब्रेड मोल्ड ऑफ ऑफ, तो ये इसको हम अगर जूम करके देखेंगे तो आपको ऐसे देख, राइजोपस जैसे कहा गया है, इसका स्ट्रक्चर में ये उसका हाइफी रहेगा, हाइफी मतलब कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम है ना, स्टेम जैसे दिखता है हाइफी होता है। ऑन द हाइफी वहां पे छोटे छोटे ब्लॉब्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉब्स ऐसे राउंड बलून जैसे ब्लॉब्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड देन वहां पे उस ब्लॉब्स के अंदर होते हैं स्पोरेंजिया, ओरेंजिया स्ट्रक्चर होते हैं, स्पोर्स ओरेंजी जो ब्लॉब्स होते हैं उनके ऊपर होता है, उसके अंदर होते हैं स्पोरेंजिया, ओरेंजिया के अंदर स्पोर्स, ओरेंजिया क्या हो रहा है, हाइफी स्ट्रक्चर देखा, हाइफी जो सेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाइफी के बाद में वहां पे आपको ब्लॉब्स जो कि बलून जैसे स्ट्रक्चर है, ब्लॉब्स जो जहां पे स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स आपको देख,
बहुत सारे स्पोर्स, क्योंकि क्या है स्पोर्स मतलब क्या, कि आगे जाके बहुत सारे मोल्स बनाएगा। आपको पता है कैसे वो आ जाते होंगे? आप कितने भी मतलब घर में स्पोर्स कहाँ से आ गए, घर बस कैसे लग जाता है, हमें डाउट होता है ना हर बार। जैसे ब्रेड रोटी ऐसे आप खिड़की में कहीं पे भी रख दो के पास में, तो 2 दिन 3 दिन बाद आप देखोगे उसके ऊपर थोड़े थोड़े फंगस लगा हुआ दिखेगा। ये कैसे हो रहा है, क्या होता है भाई यहाँ पे, क्वेश्चन कर पाएगा आप में से? पता है आपको, क्वेश्चंस तो आते ही होंगे आप लोगों को कि ये है क्या, ये ऐसे कैसे हो रही है कि नहीं? तो ये हो रही है बिकॉज ऑफ मोल्स वहां पे आ रहे, स्पोर जो होते हैं हवा के माध्यम से उड़ते आ जाते वहां पे, आने के बाद वहां होता है न्यू इंडिविजुअल। वो न्यू इंडिविजुअल आप देख पाते हो एज अ फंगस, आप देख सकते हो फंगस जैसा दिख रहा है, बोलते हो आप फंगस जैसा दिख रहा है, तो वो होते हैं स्पोर। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखो बच्चे स्पोर कैसे फॉर्म होता है। स्पोर आर कवर्ड विथ थिक वॉल, वो थिक वॉल से कवर होते हैं, दैट प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो L2 ऑफ स्पोर वॉल, ये जो आप देख रहे हो ना ये लेयर जो एक है, ये लेयर है स्पोर का, वॉल का, ये वाला ये स्पोर के वॉल का लेयर है। एंड ये L3 जो है लेयर जो दिख रहा है उस पूरे बोल रही है। तो इवेंचुअली डेवलप इनटू स्पोर जो है बाद में, बोल्स क्या करेंगे बाद में, बोल्स बाद में क्या करेंगे, वहां पे जो स्पोरेंजियम था स्पोरेंजियम के अंदर से स्पोर्स बाहर निकलेंगे, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू। तो स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम फॉर इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये देखो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम, आगे जाके जिसमें आगे जाके प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हो आजकल मार्केट में सब तरफ अवेलेबल है, टावर से लेकर आप देख सकते हो लैब में प्लांट की जाती है, प्लांट्स हो गए या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए या फिर वेजिटेबल प्लांट्स हो गए, आप लोग देख सकते हो कि एक लैब होता है, एक एरिया होता है, जब एरिया होता है जिनको वहां पे पीएच, उनको वहां पे पीएच मेंटेन रखा जाता है, वहां पे वाटर मेंटेन रखा जाता है, वहां पे विंड मूवमेंट मेंटेन रखी जाती है, टेम्परेचर जाता है टू ग्रो प्लांट्स। और वो प्लांट मेडिसिनल हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, या फिर ऑर्नामेंटल हो सकते हैं, कोई भी प्लांट्स का टिश्यू कल्चर कह रहा है, उसके टिश्यू के द्वारा जो तो टिश्यू होते हैं, मैंने बताया था बडिंग में प्रोपेगेशन हमने देखा था, सीटू प्रोपेगेशन में के लीव्स हो गए, उसके स्टेम हो गए, उसका रूट पार्ट हो गया, कोई भी पार्ट को हम ग्रो करते हैं एक मीडियम में और उसका इंडिविजुअल फॉर्म। ठीक है, तो ये था प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में कि लैब में होता है बच्चों, लैब में। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कैरेट है, कैरेट का हमने रूट में जो पाए जाने वाले जो टिश्यू है वो टिश्यू की सेल्स ली, वो टिश्यू की सेल्स को हमने ग्रो किया लैब में, लैब में ग्रो करने के बाद में जब हम ग्रो कर रहे थे उसको हमने प्रोवाइड किया कोई मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम बोल हो सकता है, अगार हो सकता है या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट मीडियम हो सकता है जिससे वो अपना न्यूट्रिशन दे सके अपनी ग्रोथ करने के लिए, तो उसको हमने प्रोवाइड किया। एंड देन प्रोवाइड करने के बाद में वहां पे आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जर्माइनल लेयर्स फॉर्म हुए, वो लेयर्स आगे जाके डिफरेंशिएट हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, वहां पे वो लेयर्स जो फॉर्म हुए थे वो इंडिविजुअल जर्मिनेट करेंगे, बनाएंगे। तो ये इंडिविजुअल आप लैब में देख,
ना, अब उसको हम जमीन में लगाएंगे तो आपको पूरा कैरेट दिखेगा। जैसे यानी एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, आगे देख और भी न्यू प्लांट्स ग्रो बाय रिम्यू था, जस्ट मैंने बताया सेपरेटिंग बोल सकते, ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल्स होते हैं, पता है आपको मेरिस्टेम सेल्स, अपिकल मेरिस्टेम पे होती, स्टेम्स पे होती है ना, जो प्लांट ग्रो करता है उसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो मेरिस्टेम, उस पोर्शन को अगर हम लेके कल्चर करेंगे तो न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे, उसको ग्रोथ करेंगे तो वहां से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है, तो वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक स्टेम। तो दिख रहा है, दिस आर द मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल, यहां पे देखो मेरिस्टेमेटिक जिसमें सिमेटिक स्टेम सेल्स होती है। अब ये क्या है बच्चों, सेल्स आर प्लेस इन आर्टिफिशियल मीडियम, जैसे कि न्यूट्रिएंट अगर हो गया, अगर अगर मीडियम बोल सकते हैं ना, सुना होगा अगर अगर मीडियम, न्यूट्रिएंट होते हैं बहुत सारे, आयंस हो गए, बहुत सारे विटामिन हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस प्लांट को, जरूरत है ना, वो उसमें डालेंगे, ये मीडियम है, मीडियम में हमने उसको ग्रो किए, ग्रो करने के बाद में वो क्या करेगा, रैपिडली डिवाइड करेगा, रैपिडली डिवाइड करने के बाद में वो ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा जिन्हें कहते हैं कैलस, ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा, क्या करेगा बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कैलस, कैलस बनने के बाद में अब क्या होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड कैलस मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड, अब वो कैलस देख सकते कैलस, ये कैलस, तो कैलस कैलस है, बन गया ना वो कैलस, अब उसको हम लोग जगह शिफ्ट करके ग्रो कर सकते, तो कैलस इज अ ट्रांसफर टू अनदर मीडियम, और तो हम लोग ट्रीटमेंट देंगे हॉर्मोन्स की, ग्रोथ हॉर्मोन्स हो गया है ना, फॉर डिफरेंशिएशन, प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं बच्चों, नॉट ओनली ह्यूमन बींग, प्लांट्स हैव ऑल्सो देयर हॉर्मोन्स, प्लांट्स में हॉर्मोन कौन से होते हैं पता है, प्लांट्स में साइटोकाइन होता है कि नहीं, एक्सेसिक होते हैं, दीज आर द हॉर्मोन्स फाउंड इन प्लांट, तो आप लोग देख सकते हो ऑक्सिन पर्लिन, ये हम लोग उनको हॉर्मोन की ट्रीटमेंट देते हैं, एंड उसको ट्रीटमेंट देने के बाद में यू कैन सी, आप देख सकते हो उसका ग्रोथ, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें आप ग्रोथ देख सकते हो उसका, ये देखो ऐसे ग्रो करते हैं मीडियम प्रोवाइड करने के बाद में, मीडियम में क्या होगा वही हार्मोन, न्यूट्रिएंट मीडियम, टिश्यू कल्चर ऐसे किया जाता है, प्लांटलेट्स प्लेस इन सॉइल, अब जो प्लांटलेट्स बनाए थे, जो प्लांटलेट जो ओके जैसे कि कैलस जैसे कि फॉर्म हुआ था, अब ओके बच्चों जैसे कि कैलस हमने फॉर्म होते हुए देखा टिश्यू कल्चर लैब में, तो इमेजिन कर रहे थे टिश्यू कल्चर लैब में अगर हमने कैलस को फॉर्म किया, कैलस अब उसको हम लोग ग्रो करने के लिए, मैच्योर प्लांट बनने के लिए हम लोग प्लेस कर देंगे इन द सॉइल यहाँ पे, ठीक है, कैलस हो गया, अब कैलस को हमने ग्रो किया, उसको बोला जाएगा प्लांटलेट, उसको क्या बोलेंगे प्लांटलेट, ओके, कैलस के बाद में जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं प्लांटलेट, अब उन प्लांटलेट को यहाँ पे जो देख रहे हो ये है प्लांटलेट, ठीक है, दीज आर दी प्लांटलेट, अब ये प्लांटलेट्स को आप क्या कर सकते हो, इनटू द सॉइल डाल सकते हो, अब वहां से वो क्या करेंगे, नए से मैच्योर प्लांट ग्रोथ करेंगे, ठीक है, डेवलप करेंगे अपना, ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्लांट कल्चर, देन यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट, एक ही पेरेंट से बहुत सारे प्लांट भी ग्रोथ कर सकते हो, और वो भी डिसीज फ्री कंडीशन, डिसीज फ्री कंडीशन है कि लैब कंडीशन में, लैब कि जो कंडीशन होती है बच्चों डिसीज फ्री कंडीशन होती है, वहां पे कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई भी इंफेक्शन नहीं होता, कोई भी वायरस बैक्टीरिया कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होता, ठीक है, तो आप लोग लैब में डिसीज फ्री तरीके से प्लांट से वन पेरेंट से ग्रोथ कर सकते हो, दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट, हम लोग देख सकते हो मेनी ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर मेड इन कल्चर लैब, आप देख सकते हो बहुत सारे जो प्लांट होते हैं बच्चों वो टिश्यू कल्चर लैब में ही मिलते हैं, आजकल अलग अलग तरीके के प्लांट्स आप ऑर्नामेंटल देख सकते हो, कैक्टस हो गया, फिर जेड प्लांट हो गया, देन
हिबिस्कस हो गया, जिनको बॉन्साई किया जाता है लैब में उसका कल्चर किया जाता है। बॉन्साई एक अलग कंसेप्ट है बट वो भी लैब में हम कर सकते हैं। तो लैब में उसका कल्चर किया जाता है, उसको हम लोग हाइट, बहुत सारे बरगद के पेड़ बड़ी बड़ी हाइट वाले, उनको इतनी से साइज करके हम देख सकते हैं, घर में रखते हैं, है कि नहीं। ये ऑर्नामेंटल जितने भी सारे प्लांट्स हैं उसको हम लोग लैब में ग्रो कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर मैकेट। ये ऑर्नामेंटल सम प्लांट्स के एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के। ये टेक्निक ऑर्नामेंटल प्लांट बनाने के लिए यूज की जाती है। इवन मेडिसिनल प्लांट्स को भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं प्लांट कल्चर लैब, ये प्लांट कल्चर लैब में। तो दिस इज अबाउट स्पोर फॉर्मेशन एंड टिश्यू कल्चर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और हमारे YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। वैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया है हमारे एप्लीकेशन के बारे में, जो कि हमारे महातोसर क्लासेस करके एप्लीकेशन है YouTube Google Play Store पे, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं इजी तरीके से और इंस्टॉल कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं हमारे कोर्सेस को, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो ये था हमारे क्लासेस के बारे में, कैसे लगा आपको प्लीज हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।